नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। सनातन महासभा ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। सनातन सभा की ओर से लॉकडाउन में चल रहे सामाजिक कार्यक्रम में रविवार को कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम में अपनी जान की परवाह किए बिना कार्य कर रहे नीलगिरी कॉम्प्लेक्स चौराहे के पेट्रोल पंप के पास कोरोना योद्धाओं का, जिनमें नगर निगम सफाई कर्मियों का, पुलिस अधिकारियों का व कर्मचारियों का, चिकित्सकों का और मीडिया कर्मियों का भव्य सम्मान समारोह किया गया, जिसमें उन्हें पगड़ी पहनाकर प्रमाण पत्र व माल्यार्पण कर उन पर पुष्प वर्षा की गई। गाजीपुर थाना क्षेत्र के एचएल चौकी इंचार्ज ज्ञानेंद्र कुमार पांडे और लेखराज चौकी इंचार्ज जितेंद्र चौहान के साथ उनकी पुलिस कर्मी टीम का भी किया गया सम्मान। सनातन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण की अगुवाई में सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव सीएम पांडे, प्रदेश संयोजक सुशांत पांडे, प्रदेश प्रभारी एलपी यादव, कोऑर्डिनेटर आशुतोष द्विवेदी, प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रतुल भटनागर और जनसंपर्क सचिव कमल कपूर, रेखा भूषण, अनुराधा श्रीवास्तव मौजूद रहे। सम्मान में गाजीपुर थाने की पुलिस अधिकारियों, कोविड-19 कोरोना वायरस के डॉक्टर राजेश सिंह, नगर निगम के अधिकारी गोविंद सिंह, रिजवान, श्वेता, रोहित का मुख्य रूप से सम्मान हुआ। विजय गुप्ता की रिपोर्ट। योगदान दे रहे हैं इसमें कोविड-19 में लेकर, इसमें उनको भी धन्यवाद के पाते हैं कि उन्होंने इस बेहद कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए वो भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ, मैं हमारे भी सनातन महासभा के जी भाई साहब, पहले आपका परिचय। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ सनातन महासभा के। एक्चुअल में इस बार खास कर भी देखा गया है कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम कर्मी हो या मेडिकल चिकित्सा हेल्थ वाले संबंध में बहुत ही अद्वितीय काम किया है। हम अनएक्सपेक्टेड कहते हैं और रियली ये सैल्यूट के लायक हैं। हम इनको जो सम्मान दे रहे हैं इससे कई गुना ये इससे ज़्यादा के सम्मान के पात्र हैं। और चूँकि यदि हम लोग इनको इस तरह से इंकरेज करेंगे तो उसका जो है आम पब्लिक पे और सभी लोगों पे जो भी जो सामान्य जनता है उनका जिसका इफेक्ट पड़ेगा। और एक तरह का ये मैसेज है और ये मैसेज मैं पूरे भारतवर्ष को देना चाहूँगा कि साहब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कम से कम ये सीखा जाए कि इन लोगों ने अपनी सब लोगों ने जान जोखिम में रखे और आज पूरे देश की इस तरह से पूरे देश की आप समझ लीजिए सेवा कर रहे हैं। और फाइनली यही है कि हमारी सनातन महासभा पिछले करीबन 7 वर्ष से हमारे हम लोग यहाँ पर गोमती माँ आरती का आयोजन करते हैं। दुर्भाग्यवश इस तरह से कोविड-19 आने के कारण, इस तरह की समस्या होने के कारण आज हम लोग जो है इसको अपने अपने घरों से कर रहे हैं। और इस पूरे के लिए आप ये समझ लीजिए मैं सारे पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मेडिकल वाले हैं, जितने
जितने भी हमारे जो है नगर निगम कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको बहुत बड़ा सलाम हमारी तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।